press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्मी दोस्त में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको दो न्यूज़ बताने वाले हैं। एक न्यूज़ आप सभी को पता ही है कि 2 मंथ के लिए भर्तियां नहीं होंगी, और हमारे पास एक और न्यूज़ पहुंची है कि नेक्स्ट भर्तियाँ कब होगी, 2 मंथ के बाद भर्तियाँ कब होगी। हमारे पास पूरी जानकारी पहुँच गई है। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, हमारे पास जो जानकारी पहुँचती है बिल्कुल सही पहुँचती है, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले लगभग 4 दिन पहले ही बता दिया था कि इंडियन आर्मी की सभी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। तो कल का एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। हमने आपको पहले बता दिया था, जो हमारे पास न्यूज पहुंच रही थी, कि सभी भर्तियां रद्द हो जाएंगी। तो कल का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो हमने आपको सबसे पहले दिखाया था, जो हम आपको बताते हैं वो बिल्कुल सही होता है, हम बिल्कुल भी फेक आपको जानकारी नहीं देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नेक्स्ट भर्तियों का चार्ट कब आएगा, नेक्स्ट भर्तियां कब होगी। आप सभी को बताइए, 2 मंथ के अंदर आप भर्तियां नहीं होगी, जब 2 मंथ हो जाएंगे उसके बाद भर्तियां कब होगी। दोस्तों, पहले जो खबर निकल कर आ रही है कि 1 मंथ के लिए भर्तियां रद्द की हैं, अब 2 मंथ के लिए सभी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। अप्रैल की सभी भर्तियां, इंडियन आर्मी की बात करें, टी आर्मी की बात करें, पुलिस की, सेंटर की भर्ती हो, कोई भी स्टेट की भर्ती हो, सभी रद्द कर दी गई हैं। आपको सभी को बता दूं, अप्रैल मंथ की सभी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। तो आज हम आपको बताएंगे, जो हमारे पास खबर भी पहुंच रही है कि टीए भर्ती कब होगी। दोस्तों, जो हमारे पास खबर पहुंच रही थी कि अप्रैल में टीए की भर्ती हो सकती है, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन फोर्थ और जोन फोर्थ में, अप्रैल के लास्ट में भर्ती हो सकती थी, वो सभी रद्द कर दी गई हैं। अब कब होगी, दोस्तों, जो हमारे पास पूरी जानकारी पहुंच गई है, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, बिल्कुल सच्ची और पहले जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल ही हमारे पर विश्वास करते हैं, हम बिल्कुल ही आपको सही वीडियो देते हैं। तो आप सभी को बता दूं, जो हमारे पास खबर पहुंच रही है कि 2 महीने के लिए, आप सभी को पता ही है, कोरोना वायरस के कारण भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। 2 मंथ के अंदर आप कोई भी टीए आर्मी और इंडियन आर्मी की कोई भी भर्ती नहीं होगी। तो नेक्स्ट चार्ट कब आएगा, दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारे पास खबर पहुंच रही थी कि 2 मंथ के अंदर आपका चार्ट भी आ जाएगा और भर्तियां भी होगी। तो अप्रैल के अंत में भर्तियों का जो हमारे पास न्यूज पहुंच रही थी कि अप्रैल के मंथ में भर्तियां होंगी एंड में, तो इस बार वो कैंसिल कर दी गई हैं। अब जो हमारे पास न्यूज पहुंच रही है कि मई के एंड में जो नोटिस आएगा उस पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मई के एंड में आपका नोटिस आएगा। दोस्तों, अभी ये भी कंफर्म नहीं है, आपको हम 100% ये नहीं बता सकते कि मई में पक्का आएगा, क्योंकि मई वाली भी भर्तियां भी कैंसिल हो सकती हैं। अभी पहले जो हमारे पास खबर पहुंच रही थी 1 मंथ के लिए, जो 15 अप्रैल तक सभी भर्तियां रद्द की गई थी, फिर उसके बाद 1 मई तक सभी भर्तियां रद्द की हैं, वही 2 महीने के लिए भर्तियां रद्द की हैं। तो मई वाली भी कैंसिल हो सकती है, कन्फर्म अभी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो चार्ट आपका आएगा वो आ जाएगा मई के एंड में। तो जून जुलाई में आपकी इस बार भर्तियां होगी। दोस्तों, पहले जो खबर निकल कर आ रही थी कि मई के महीने में भर्तियां आपकी यहाँ की जा रही थी, तो वो कैंसिल होने वाली हैं, लगभग कैंसिल ही कर दी गई हैं, क्योंकि अप्रैल के लास्ट में शुरू हो रही थी 1st जोन और 2nd जोन, 3rd जोन में, तो वो सभी रद्द कर दी गई हैं। तो नेक्स्ट चार्ट आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अभी तक जो हमारे पास खबर पहुंच रही है कि आप रनिंग कीजिए, जो हमारे पास खबर पहुंच रही है कि मई के एंड में नोटिस आएगा और जून जुलाई में आपकी भर्तियां होगी। आप